Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to start Unit 1. Unit 1 is from Block 4, MPC 004, that is MAPC first year students. This video is for you. From this unit, you will get 3 videos. This is the first one, and the link of this unit you will get in the description section. So all the links of the videos which are made on those sections, you will have to check the description box. So today, before starting, I would like to request you guys to subscribe my channel, share my videos with rest of the students so that everybody gets help out of it. Let us start with today's topic. Aaj hum baat karenge ग्रुप के बारे में. बहुत कॉमन सी बात है, आपने अक्सर देखा है आप किसको ग्रुप बोल देते हैं. कभी आप कुछ लोग खड़े होंगे तो आप किसी को अगर बता भी रहे हैं तो आप बातों बातों में बोल देते हैं, वो देखिए वो ग्रुप खड़ा हुआ है जो वहाँ पे. तो ग्रुप आप किसको बोलते हैं? बेसिकली ग्रुप उसको बोलते हैं जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग इकट्ठे दिखाई देते हैं और आपस में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं किसी प्लेस में, तो हम उसको ग्रुप कह देते हैं. कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस ग्रुप के बारे में कुछ लोगों ने दी हैं जो हम आज बताएंगे, और उन डेफिनेशंस में कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ के, इम्पॉर्टेंट फीचर्स के बारे में बात की है ग्रुप से रिलेटेड. फर्स्ट है आर एम विलियम्स. इन्होंने 1951 में सोशल ग्रुप की डेफिनेशन दी थी, जिसमें इन्होंने ये बोला था, अ सोशल ग्रुप इज़ ए गिवन एग्रीगेट ऑफ पीपल प्लेइंग इंटर रिलेटेड रोल्स and recognized by themselves or other as a unit of interaction. ये उन्होंने अपने वर्डिंग्स में ये बात बोली थी. अगर आप इस डेफिनेशन को ध्यान से देखें तो इसमें इन्होंने बताया कि जो ग्रुप है उसमें लोगों का एग्रीगेशन की बात की है, कुछ लोग जो इकट्ठे हुए हुए हैं उसके बारे में बात की है. रोल जो उसमें ग्रुप मेंबर्स का बताया है वो इंटर रिलेटेड बताया हुआ है कि उनके जो रोल होंगे वो इंटर रिलेटेड होंगे, यानी एक दूसरे से रिलेटेड रोल्स प्ले करेंगे वो. और जो ग्रुप है वो एज अ यूनिट बताया गया है. यूनिट मतलब सिंगल चीज़ बताई गई है, उनको आप सेपरेट नहीं कर सकते ऐसा. सेकेंड डेफिनेशन आर एम मैकिवर ने दी है, जो 1953 में दी थी. वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं, बाय ग्रुप वी मीन एनी कलेक्शन ऑफ सोशल बीइंग्स हु एंटर इनटू डिस्टिंक्टिव सोशल रिलेशनशिप्स विद वन अनदर. इसमें अगर आप देखें तो इसमें अगेन कुछ लोगों के कलेक्शन की बात की है, जो लोग इकट्ठे हुए हुए हैं एंड इनके बीच में सोशल रिलेशनशिप है. और हर एक इंडिविजुअल मेंबर जो ग्रुप का है उनके बीच में एक रिलेशनशिप है ही है, जो हट के रिलेशनशिप है बाकियों के कंपैरिजन में. डेविड ने 1968 में डेफिनेशन दी, अ सोशल साइकोलॉजिकल ग्रुप इज़ एन ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ टू और मोर इंडिविजुअल. एक सोशल साइकोलॉजिकल ग्रुप वो ग्रुप होता है जिसमें एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम है जो बहुत अच्छे से अरेंज्ड है, जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग शामिल होते हैं. ये आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं और एक कोई फंक्शन ज़रूर परफॉर्म कर रहे होते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में. जो रोल होता है रिलेशनशिप का वो मेंबर्स के बीच में, एंड जो सेट ऑफ रोल्स हैं उनको नॉर्म्स होते हैं, कुछ नॉर्म्स बनाए गए हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में जिसको ये लोग फॉलो करते हैं और एज अ ग्रुप फंक्शन करते हैं. और हर एक मेंबर का कोई ना कोई फंक्शन होता ही है उस ग्रुप में, ऐसा डेविड कहते हैं 1968 में. क्रचफील्ड एंड बेलेची ने 1962 में डेफिनेशन बताई कि कोई भी दो या दो से ज़्यादा लोग जब मिलते हैं और ये उसमें कंडीशंस आप देखते हैं. फर्स्ट कंडीशन है द रिलेशन अमंग द मेंबर्स आर इंडिपेंडेंट. इनके बीच में जो रिलेशन है वो इंडिपेंडेंट है. ईच मेंबर्स बिहेवियर इन्फ्लुएंसेस द बिहेवियर ऑफ ईच ऑफ द अदर. अगर वो ग्रुप है तो उसमें एक मेंबर का बिहेवियर दूसरे मेंबर पे के बिहेवियर पर असर डालेगा. सेकेंड पॉइंट इसी में बोलते हैं, द मेंबर्स शेयर एन आइडियोलॉजी. इन सारे जो ग्रुप में मेंबर्स होंगे उनकी एक आइडियोलॉजी होगी, मतलब एक कॉमन सोच हो सकती है, कुछ बिलीव्स होंगे, वैल्यूज होंगी, नॉर्म्स होंगी जो पूरे इनके कंडक्ट होगा ग्रुप में उसको रेगुलेट करेंगी. पॉलस ने 1989 में एक डेफिनेशन दी जिसमें बोलते हैं कि ग्रुप जो है दो या दो से ज़्यादा इंटरेक्टिंग लोगों से बना हुआ होता है जो शेयर करते हैं कॉमन गोल्स, इनमें स्टेबल रिलेशनशिप होती है और ये किसी तरह से इंटरडिपेंडेंट होते हैं, परसीव करते हैं ये आई एम सो सॉरी
ये जो ग्रुप हम पॉलस की बात कर रहे थे, फिफ्थ पॉइंट है 1989 की, जो ग्रुप है इसमें दो या दो से ज़्यादा इंटरेक्टिंग पर्सन्स होते हैं जो कॉमन गोल को शेयर करते हैं, इनकी रिलेशनशिप स्टेबल मानी गई है और ये एक दूसरे पे किसी तरह से इंटरडिपेंडेंट भी होते हैं, और जो ग्रुप के ग्रुप में कोई चीज़ें ये परसीव भी करते हैं जो उस ग्रुप का पार्ट है उस चीज़ को। सो जो इसमें अगर आप पॉइंट्स देखें तो इसमें इन्होंने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपस में इंटरेक्ट करने वाले मेंबर्स की बात की हुई है, ग्रुप मेंबर्स इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे पे किसी तरीके से, ये भी बात की है। इसका मतलब ये इंटरडिपेंडेंट का मतलब है अगर कुछ होता है एक मेंबर को तो वो दूसरे मेंबर को भी असर डालेगा। जो रिलेशनशिप है वो रिलेटिवली स्टेबल मानी गई है इनकी। जो मेंबर्स हैं ग्रुप के वो एक गोल को अचीव करने में लगे हुए हैं, अटेन करने में लगे हैं साथ में मिलके, और इनका जो इंटरेक्शन है ये बहुत स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होता है। हर एक ग्रुप मेंबर जो होगा वो एक या किसी तरह के सिमिलर फंक्शन से ज़रूर रिलेटेड होगा, जब भी वो आपस में मिलेंगे तो एक सिमिलर फंक्शंस परफॉर्म करते हुए दिखाई देंगे। ये जो इंडिविजुअल्स होंगे ग्रुप से इन्वॉल्व होंगे और ये अपने आप को एज अ पार्ट ऑफ ग्रुप मानेंगे। ग्रुप के बहुत सारे मीनिंग हमने ऊपर देखे, लेकिन सारी जो डेफिनेशन हमने ऊपर समझी उसमें थ्री मेन पॉइंट्स आए हैं, वो क्या क्या हैं। जो फिजिकल प्रॉक्सिमिटी होती है, प्रॉक्सिमिटी मतलब नज़दीकियाँ जो होती हैं ग्रुप के मेंबर्स में, जितने भी नंबर ऑफ पीपल उस ग्रुप में हैं उनके फिजिकल प्रॉक्सिमिटी जो है वो उनको पास में लाती है एक पर्टिकुलर टाइम पे, चाहे उनमें कोई कॉमन पर्पस हो या ना हो। यानी अगर आप किसी ग्रुप के मेंबर हैं तो किसी ना किसी तरीके से आप एक दूसरे के करीब होंगे किसी रीज़न से, कोई पर्पस हो या ना हो, लेकिन आपकी फिजिकल प्रॉक्सिमिटी एसेंशियल होती है अगर आप उस ग्रुप को रन करना चाहते हैं या कंटिन्यू करना चाहते हैं। सेकेंड पॉइंट, बिलोंगिंग टू एन एसोसिएशन। हमेशा ये जो लोग होंगे ये किसी एसोसिएशन से बिलोंग करेंगे, इनका कोई रिलेशनशिप नहीं भी होगा एक दूसरे के साथ, फिर भी इनमें कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने के लिए मिलेंगी और इसीलिए हम इनको ग्रुप में क्लासीफाई कर पाएंगे। थर्ड पॉइंट जो बताया, ये एक ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करेंगे जिसका डेफिनेट स्ट्रक्चर होगा, और ये जो बिलोंगिंगनेस है ऑर्गेनाइजेशन में ये कोई सेंस पैदा करेगी सारे मेंबर्स के बीच में ग्रुप के। चिल्ड्रन और ग्रुप की बात की है, कभी भी जो छोटे बच्चे की अगर बात करें, छोटा बच्चा जब डेवलप हो रहा होता है डिफरेंट स्टेजेस से, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट हमने पढ़ा है दूसरे सब्जेक्ट्स में, तो जब बच्चे का सोशल डेवलपमेंट होता है वो धीरे धीरे होता है, जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है उसकी जो फिज़िकल नीड्स है उसको फुलफ़िल करने के लिए वो अपने जैसे लोगों से मिलता है, अपने जैसे बच्चों से मिलता है, कुछ इंडिविजुअल्स को एग्जिबिट करता है कुछ साइंस, और अपनी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए उसको कैसी एक्टिविटी करना है वो आइडेंटिफाई करता है। उसको ऑब्जेक्ट्स के बारे में समझ आना शुरू होता है, उसको अपने एनवायरनमेंट में जो लोग हैं उनको समझना वो शुरू करता है, उसको कैसे कौन सी एक्टिविटीज़ उसको चाहिए है, कौन सी उसको एक्टिविटीज़ चेंज करनी है, किस तरह का वो गेम खेलना चाहता है उसको वो पता चलता है। देन उसको फीलिंग आने लगती है, आई माइंड यू योर्स वाला, ये वाली सोच पैदा होती है जहाँ पे वो आइडेंटिफाई करता है कि उसकी सेल्फ़ एस्टीम के बारे में बात आती है, कि सेल्फ आइडेंटिटी के बारे में बात आती है, तो वो ये चीज़ें सीखता है। धीरे धीरे फिर उसको शेयर की बात समझ में आती है, अपने राइट्स की बात समझ में आती है, शेयरिंग कोऑपरेशन की बात समझ में आती है, ये सारी चीज़ें बच्चा सीखने शुरू करता है। फिर धीरे धीरे वो बहुत सारी चीज़ें कोचिंग के थ्रू, ट्रेनिंग के थ्रू, या कॉपी करके, इमिटेट करके अपने पेरेंट्स को, या बहुत सारे रिएक्शंस जो लोगों से मिलते हैं या अपने सराउंडिंग से मिलते हैं उससे वो धीरे धीरे चीज़ें एसिमिलेट करना शुरू करता है, अपने अंदर डालना शुरू करता है, सीखना शुरू करता है, रिएक्ट करना शुरू करता है। सो एक ग्रुप में जब वो रहता है धीरे धीरे वो डेवलप करता है अपने सेंटीमेंट्स को, ओपिनियंस को, अपने इंटरेस्ट को डेवलप करता है, उसके हैबिट्स होते हैं, उसके डिज़ायर्स होते हैं, उसकी जो कम्युनिकेशन है किस तरह के वो कम्युनिकेट करेगा, किस तरह से प्ले करेगा, कैसे इंटरेक्ट करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आगे जाके कि किस तरह के ग्रुप्स इसके डेवलप होंगे। अगेन अगर आप बात करें तो हमारी लाइफ में बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, हमारे फ्रेंड्स का ग्रुप होता है, कॉलेज का ग्रुप होता है, हमने अगर कोई हॉबी है तो हमारे हॉबी क्लासेस का ग्रुप होता है, इस तरह के हम ग्रुप्स बनाना शुरू कर देते हैं। तो लोग जो होते हैं जब ग्रुप को ज्वाइन करते हैं
बहुत सारी नीड्स होती हैं जिसकी वजह से वो ज्वाइन करते हैं। क्या क्या नीड्स हैं, मतलब अगर आप किसी ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं या आपके ग्रुप को कोई ज्वाइन करना चाहता है तो आप क्या सोचेंगे, ये क्यों मेरे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता है? पहला पॉइंट, वो इसीलिए करना चाहता है क्योंकि सेटिस्फैक्शन ऑफ इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल एंड सोशल नीड्स, उसको सेटिस्फैक्शन चाहिए है, उसकी जो साइकोलॉजिकल और सोशल नीड्स है उसको सेटिस्फाई करने के लिए वो ग्रुप ज्वाइन करता है। जैसे उसको अफेक्शन मिलेगा ग्रुप में आएगा तो, अटेंशन मिलेगी, कोई उसको पहचान बनेगी उसकी, उसको लगेगा बिलोंगिंगनेस की फीलिंग आएगी ग्रुप में जाने से, दैट इज़ वाई वो इंसान ग्रुप को ज्वाइन करेगा। सेकेंड पॉइंट क्या है, अचीवमेंट ऑफ गोल इन अ स्मूथ एंड ईजी वे। जब आप अकेले किसी युद्ध के लिए जाते हैं, युद्ध इन द सेंस आपकी लाइफ में, सपोज आप किसी एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, आप अकेले कर रहे होते हो तो आपको ऐसा लगता है मैं कहीं अंधेरे में फंस गया हूँ, किसी जंगल में फंस गया हूँ और मुझे नहीं पता मुझे कहाँ किस रास्ते जाना है। लेकिन वहीं अगर आपको जंगल में कोई ग्रुप मिल जाए जो रास्ता ढूंढ रहा है तो आपको साथ मिल जाता है, एंड दैट इज़ वेरी सूदिंग, और बहुत आसान हो जाता है रास्ता ढूंढना क्योंकि आपको मालूम है कि आप जैसे बहुत लोग हैं। सो ये जो अचीवमेंट होता है, गोल को अचीव करने का जो तरीका होता है वो बहुत आसान हो जाता है, इस वजह से भी हम ग्रुप को ज्वाइन करते हैं। सो दैट हम दूसरों के साथ काम कर सकें, परफॉर्म कर सकें किसी भी टास्क को बहुत अच्छे से जो अकेले में नियर टू इम्पॉसिबल लगता है। थर्ड पॉइंट है गेटिंग नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन ऑन वेरियस इशूज़ विच आर नॉट अवेलेबल एट वन प्लेस। अगर आप कोई ग्रुप को ज्वाइन करते हैं तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नॉलेज ऐसे ही मिल जाती है, कोई आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं और आप कोई ग्रुप ज्वाइन कर रहे होते हैं तो बहुत सारे डिस्कशंस चलते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स सामने आते हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही पता चल जाती हैं जहाँ पे आपका ध्यान ही नहीं गया अगर आप अकेले तैयारी कर रहे होते, तो दैट इज़ वाई ग्रुप लर्निंग या ग्रुप को ज्वाइन करना लोगों को इसीलिए सही लगता है। गेटिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अगेन, अगर आप किसी ग्रुप में, आप किसी नए शहर में गए हैं और आप अकेले हैं तो ऑब्वियसली आप डरते रहेंगे, आपको डर लगेगा अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी का, लेकिन अगर आपको अपने ही जैसे चार लोग और मिल जाएं तो एक ग्रुप बन जाता है जो एक दूसरे के साथ रहकर सेफ एंड सिक्योर फील करता है, तो दैट इज़ ऑल्सो अ रीज़न। तो चार कारण हमने पता लगा लिया, सेटिस्फैक्शन, बिलोंगिंगनेस की फीलिंग आती है, अचीवमेंट आसान हो जाता है गोल को अचीव करना, नॉलेज और इन्फॉर्मेशन मिलती है, एंड देन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। साइकोलॉजी की बात करें तो ग्रुप की जब हम स्टडी करते हैं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन की, सपोज ग्रुप एक ऑर्गेनाइजेशन है और उसका बिहेवियर, तो साइकोलॉजी में हम इस वजह से स्टडी करते हैं ग्रुप की क्योंकि हम ये चीज़ जानना चाहते हैं। ग्रुप्स को एक्सप्लोर करना हमें पता चलता है, ग्रुप कैसे कंट्रोल किया जाता है और कौन सी सेटिंग्स में ग्रुप को कंट्रोल किया जा सकता है, ये भी हम साइकोलॉजी में सीखते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो ग्रुप में को ड्राइव करते हैं किसी पर्टिकुलर बिहेवियर के लिए और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं, उनके बारे में भी हमें पता चलता है। नाउ कमिंग टू इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ग्रुप, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन सेवरल वीडियोज दैट जहाँ पे भी आप पिंक हाईलाइट देखते हैं दैट मीन्स ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और पहले भी आ चुका है। तो इम्पॉर्टेंट फीचर्स ग्रुप के क्या होते हैं, फर्स्ट पॉइंट है एक से ज़्यादा इंडिविजुअल जब इकट्ठे होते हैं और वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, ये इम्पॉर्टेंट फीचर होता है उसमें। सेकंड, जो सोशल इंटरेक्शन होता है और जो रिलेशनशिप होता है इंडिविजुअल मेंबर्स के बीच में, वो आप देखेंगे किसी ग्रुप में, वो भी इम्पॉर्टेंट फीचर है कि वो आपस में इंटरेक्ट करेंगे और उनके बीच में रिलेशनशिप होगा। थर्ड पॉइंट है कॉमन मोटिव्स, ड्राइव्स, इंटरेस्ट या इमोशंस उन सारे ग्रुप मेंबर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे। फोर्थ पॉइंट है कम्युनिकेशन ग्रुप मेंबर्स के बीच में आप देखेंगे, चाहे वर्बल या नॉन वर्बल हो लेकिन उनके बीच में बातचीत आप देखेंगे। फिफ्थ पॉइंट है ग्रुप मेंबर्स जो होंगे उनमें कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ अटेंशन ज़रूर होगी, ग्रुप मेंबर्स एक दूसरे को स्टिमुलेट करेंगे, यानी एक ग्रुप मेंबर ने कोई बात की तो बाकियों का ध्यान भी उस पर जाएगा और वो इस मैटर को ध्यान से ध्यान देंगे इस मैटर पे। अगेन इनमें सिक्स पॉइंट को देखें तो इनमें लॉयल्टी देखने के लिए मिलेगी, यानी कि एक दूसरे को धोखा नहीं देंगे, ये लोग ईमानदार रहेंगे और सिमिलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट भी करेंगे। सेवन्थ पॉइंट देखें तो यूनिटी की फीलिंग आप इन ग्रुप में देखेंगे, सारे मेंबर्स एक दूसरे के लिए खड़े रहेंगे, दे विल स्टैंड स्ट्रांग फॉर ईच अदर, एक दूसरे को रेस्पेक्ट करेंगे, एक दूसरे को रिगार्ड देंगे, ये चीज़ें आप देखेंगे ग्रुप में। एट्थ पॉइंट है जो मेंबर्स के एक्शंस होंगे वो सारा ग्रुप ही कंट्रोल करेगा, यानी उनके कुछ नॉर्म्स कस्टम्स होंगे जिसको फॉलो किया जाएगा, नॉर्म्स कस्टम्स प्रोसीजर्स होना बहुत ज़रूरी है और हर एक मेंबर उसको एक्सेप्ट करेगा, अगर उस ग्रुप में ऐसी चीज़ें हैं होती हैं तभी वो ग्रुप माना जाएगा, और अगर कोई एक्सेप्शन हैपन होता भी है तो
कोई भी जो मेंबर्स हैं वो मिलकर उसका सोल्यूशन निकालेंगे और उसको रिजॉल्व करेंगे. नाउ कमिंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए ग्रुप, दिस इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्जाम पर्पस. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए ग्रुप क्या है? नंबर वन, अ सेंस ऑफ वी फीलिंग. हमेशा इनको बिलोंगिंगनेस की फीलिंग होगी हर एक मेंबर को जो ग्रुप का मेंबर है. ये एक दूसरे को हेल्प करेंगे कोई भी ड्यूटीज को परफॉर्म करने में. कलेक्टिवली काम करेंगे. अगर इनके कोई दुश्मन है तो इकट्ठा होकर या उस दुश्मन से लड़ेंगे. कोई ऐसी पावरफुल चीज़ है जो उनको हार्म करती है उसके लिए. एंड एक हर एक मेंबर जो उस ग्रुप का नहीं है उसको वो आउटसाइडर की तरह ट्रीट करेंगे और एक ग्रुप को सेल्फ सफिशिएंट बनाने की कोशिश करेंगे. ये तो था फर्स्ट पॉइंट, अ सेंस ऑफ वी फीलिंग. सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है कॉमन इंटरेस्ट. आप हमेशा देखेंगे जो एक ग्रुप के मेंबर्स हैं उनमें सिमिलैरिटी आप देखेंगे ही देखेंगे. इनमें कोई ऐसा कॉमन इंटरेस्ट हो गई जो इनमें यूनिटी को प्रमोट करेगा. कोई ऐसा इंटरेस्ट है जिसके लिए ये लड़ रहे होंगे और इसीलिए ये साथ होंगे. तो ग्रुप जो है उसमें जो भी पर्संस होंगे वो एक दूसरे से रिलेट करें या ना करें, लेकिन इनमें एक कॉमन इंटरेस्ट ज़रूर दिखेगा और ये इस तरह से रहेंगे जैसे एक है. थर्ड पॉइंट ऑफ फीलिंग ऑफ यूनिटी. ये हमेशा एक दूसरे मेंबर्स को ऐसे ट्रीट करेंगे कि वो खुद है वो मेंबर, मतलब अपने जैसा, बिल्कुल अपना मान के उसे ट्रीट करेंगे और इस वजह से उनमें यूनिटी की भावना आप देखेंगे. फोर्थ पॉइंट है रिलेटेड टू ईच अदर. ये हमेशा एक दूसरे से कम्युनिकेशन में होंगे, एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे. कभी भी एक कोई बात करेगा तो वो दूसरा उसको रेसिप्रोकेट ज़रूर करेगा. फिफ्थ पॉइंट है अफेक्टेड बाय ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक्स. जो ग्रुप, हर एक ग्रुप जो होता है उसके सोशल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जिससे की वजह से वो दूसरे ग्रुप से सेपरेट होता है, दूसरे ग्रुप से अलग हटके होता है. तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो ग्रुप के सारे मेंबर्स को अफेक्ट करती हैं. नेक्स्ट सिक्स पॉइंट है कॉमन वैल्यूज़. सारे के सारे जो मेंबर्स हैं उनमें कॉमन वैल्यूज़ आप देखेंगे और ये ट्रेडिशनली ये जो जनरेशन्स है ये सक्सीड करेगी इस ग्रुप की, ऑल बिकॉज ये कम्युनिकेट करते हैं और रेस्पेक्ट करते हैं अपने ट्रेडिशंस को, अपनी वैल्यूज़ को. म्यूचुअल बिहेवियर्स आप देखेंगे इन सारे मेंबर्स के बीच में कि ये सारे मेंबर्स में वो वैल्यूज़ रिफ्लेक्ट होंगी एंड जो भी वैल्यूज़ होंगी इनसे ये बाउंडेड होंगे ग्रुप के मेंबर्स. सेवन्थ पॉइंट है कंट्रोल ऑफ ग्रुप. कुछ कस्टम्स, नॉर्म्स और प्रोसीजर्स बने होंगे जिसको हर एक मेंबर एक्सेप्ट करेगा और इसके पीछे यही रीज़न होगा क्योंकि जो बिहेवियर है ग्रुप मेंबर्स का वो सिमिलर होगा. इस वजह से इनकी ग्रुप्स जो भी नॉर्म्स एंड कस्टम्स हैं इनको ये ऑनेस्टली फॉलो कर पाएंगे क्योंकि इन सब की सोच थोड़ी बहुत मिलती जुलती होगी इस वजह से. इनका जो भी एक्शंस होंगे वो यही वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स कंट्रोल करेंगी. ऑब्लीगेशन है जो रिलेशनशिप होगी मेंबर्स के बीच में वो स्ट्रांग हो जाएगी बिकॉज ऑफ म्यूचुअल ऑब्लीगेशन और कॉमन सोशल वैल्यूज़ की वजह से. एक दूसरे का साथ देना ये ऑब्लीगेशन होगा इनका. एक्सपेक्टेशंस, जो ग्रुप के मेंबर्स हैं वो एक दूसरे से कंपैशन, लव, सिंपैथी, कोऑपरेशन को एक्सपेक्ट करेंगे और म्यूचुअल एक्सपेक्टेशन जो होती है ग्रुप मेंबर्स के बीच में वो मेंटेन करेंगे. तो जो ग्रुप है ये अपनी एग्जिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए एक दूसरे जो भी कंस्टिट्यूएंट मेंबर्स हैं उनको जिम्मेदारी से उनकी डिज़ायर्स को सेटिस्फाई करेगा और रेस्पॉन्सिबिलिटी से उनकी एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करेगा. अगर हम देखें तो जो ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स हमेशा एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है और ग्रुप में जो सोशल रिलेशनशिप है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो एक रोल प्ले करती है. आप अगर इसका एक एग्जांपल देखें, आप फैमिली का एग्जांपल, फैमिली इज़ आल्सो अ ग्रुप, बहुत क्लोज ग्रुप है. तो फैमिली में भी हम देखते हैं कि सारे मेंबर्स का नेचर एक सा नहीं होता, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे के लिए साथ खड़े रहते हैं, एक दूसरे के लिए स्टैंड करते हैं, चाहे लड़े झगड़े कितने भी, बट फिर भी मुसीबत में साथ देते हैं क्योंकि हमारी एक कॉमन वैल्यूज़ होती हैं, कॉमन आइडियल्स होते हैं जिसे हम भूल नहीं सकते. फैमिली एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है. ऐसे ही अगर स्कूल, आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, हो सकता है एग्जाम में पूछें कि एक सोशल ग्रुप का एग्जाम्पल देके समझाइए और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए. तो आप स्कूल का एग्जाम्पल दे सकते हैं. स्कूल एक सोशल ग्रुप है और उसमें सारे बच्चों का कॉमन गोल होता है नॉलेज अचीव करना. स्टूडेंट और टीचर जो हैं ये मोटिवेटेड होते हैं कॉमन गोल को अचीव करने के लिए.
देन स्कूल जो है वो एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है, जो ये बहुत कॉमन फीचर्स हमने देखे थे ऊपर. और जो स्कूल है वो एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है कि वो अपनी नीड्स को रियलाइज़ कर सके, बच्चे अपने नीड्स को रियलाइज़ करके आगे बढ़ सके, अपने गोल को अचीव कर सके. तो फ्रेंड्स, दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो. अगर मैं पूरा चैप्टर एक वीडियो में कवर करती तो शायद इतना डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर पाती आपको. आई होप मेरी वीडियोज़ आपको यूजफुल लगते हैं. अगर ऐसा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियोज़. शेयर करना ना भूलें, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग उतना शेयर नहीं करते जितना करना चाहिए. तो बस इतना फेवर करिए कि अगर मैं निष्काम भाव से आपके लिए काम कर रही हूँ तो आप मेरे लिए इतना करें कि ये ग्रुप्स में शेयर ज़रूर कर दें, सो दैट आगे की जनरेशन्स, आगे के बच्चों को भी जो नए नए एडमिशन्स ले रहे हैं उनको इसकी हेल्प मिले. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. बाय बाय.